सो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ जल्दबाजी के बारे में। जल्दबाजी, हम सब लोगों को और दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको हर काम करने की क्या है, जल्दी है। दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, सब चाहते हैं कि हम बहुत जल्द अपने जीवन के कम से कम समय में हम अच्छी से अच्छी चीज़ को हासिल कर। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समय का इंतजार करें, परंतु जब हम उसके समय का इंतजार नहीं करते हैं और हम अपनी तरफ से कोशिश करने लग जाते हैं काम को पूरा करने के लिए, तो हम अपने जीवन में चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, आशीषों को खो देते हैं, या फिर हम अपने जीवन में चीज़ों को तितर बितर कर देते हैं, अपने ही जीवन में हम गड़बड़ी को पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं और गलत डिसीजन लेने के कारण हम अपने जीवन में सब कुछ तितर बितर कर देते हैं। हम हालांकि हम सोचते हैं कि जो डिसीजन मैं ले रहा हूं वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, लेकिन हमने परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया, हमने जल्दबाजी। कहने का मतलब यह है कि हम अपने जीवन में जल्दबाजी न करें, किसी भी काम को करने के लिए हम अपने जीवन में जल्दबाजी न करें, हम धीरज रखें और प्रभु के समय का हम इंतजार करें। जबकि हमें पता भी हो कि परमेश्वर इस काम को मेरे जीवन में करेगा, लेकिन किस दिन करेगा उस दिन के लिए हम प्रभु का इंतजार करें, हम उसके लिए प्रार्थना करें, हम उपवास रखें, सब कुछ करें, परंतु डिसीजन न लें तब तक जब तक कि बिल्कुल प्रभु का समय न आ जाए। किसी भी काम को करने से पहले हम परमेश्वर के समय का इंतजार करें और कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम परमेश्वर के समय का इंतजार करें। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। जब हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय हमारे लिए घातक हो जाते हैं। उन निर्णयों के कारण, उन डिसीजन के कारण हमारे जीवन में चीज़ें तितर बितर हो जाती हैं। हम खुद अपने जीवन में गड़बड़ियां पैदा कर देते हैं, हम खुद अपने जीवन में मुसीबतों को न्योता दे देते हैं, परेशानियों को न्योता दे देते हैं। मेरे प्रियो, यदि हम इंतजार करें, यदि हम जल्दबाजी न करें, यदि हम प्रभु के समय का इंतजार करें, तो प्रभु अपने वादे को हमारे जीवन में पूरा करेगा, और यदि हमने जल्दबाजी की तो वो अपने वादे को हमारे जीवन में पूरा नहीं कर पाएगा, और हम अपने जीवन की अच्छी चीजों को खो देंगे और अपने जीवन में सब कुछ तितर बितर कर देंगे, अपने जीवन में हम गड़बड़ी पैदा कर देंगे। आइए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, जिस प्रकार सारा ने जल्दबाजी की प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम लोग कभी अपने जीवन में जल्दबाजी न करें। प्रभु हम तेरे समय का इंतजार करें, प्रभु हमें वो धीरज देना प्रभु, ताकि हम तेरे समय का इंतजार कर सकें। प्रभु हम जल्दबाजी करके अपने जीवन में गड़बड़ी पैदा न कराएं। प्रभु अपने जीवन में हम मुसीबतों को न्योता न दें प्रभु, बल्कि पिता परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि और समझ से भरना प्रभु, कि हम तेरे समय का इंतजार करते हुए तब एक राइट डिसीजन ले सकें प्रभु, और अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त कर सकें जो तूने हमारे लिए संजो करके रखी हुई है। प्रभु धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।